नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार पंचायत चुनाव में इस बार जनता का मिजाज कैसा है, इस पर राइज न्यूज पंचायत दर पंचायत सर्वे का लगातार प्रत्याशियों से साक्षात्कार कर रहा है, ताकि जनता को अपने भावी नुमाइंदों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके और उन्हें गांव की सरकार को चुनने में आसानी हो। आज हम पहुंचे सीवान की सिसई पंचायत, जहां भाग संख्या 27 से तैयब अंसारी बीडीसी प्रत्याशी हैं। तैयब अंसारी इलाके के बड़े समाजसेवी हैं, वो हर सुख दुख में जनता के साथ खड़े रहते हैं। तैयब अंसारी कहते हैं कि अगर जनता ने उन्हें बीडीसी बनाया तो सिसई पंचायत की भाग संख्या 27 के विकास में वो जी जान लगा देंगे। जैसे कि लगातार पंचायत चुनाव के खबरों को प्रमुखता से हम सार्थक सकारात्मक तरीके से दिखला रहे हैं, ताकि जनता को इस बार के पंचायत चुनाव में सही फैसला लेना पड़े और ऐसे उम्मीदवार को निर्वाचन करने का मौका मिले जो सही ढंग से पंचायत में व्यवस्था को संचालित कर सके। एक ऐसे ही नौजवान उम्मीदवार हैं जो एक सोच और सपना लेकर के सिसई पंचायत से समिति सदस्य के उम्मीदवार हैं। चूंकि बहुत बड़ा क्षेत्रफल में यह पंचायत है और यहां दो भाग है बीडीसी का, किस भाग से आप उम्मीदवार हैं? क्रम संख्या 27 से उम्मीदवार है और जी, और मीडिया को मैं नमस्कार करता हूं। आपको भी धन्यवाद जी। और जनता से मैं निवेदन करता हूं कि मुझे आगे बढ़ाए, अपना सहयोग लगाए और सब लोगों के अरमान हम पूरा करें। एक सीधा सवाल आपसे यह है तैयब अंसारी जी, कि पंचायत की जनता बहुत सोच समझ करके पूरे बिहार प्रदेश के चुनाव में अपना मतदान कर रही है, आप अगर चुनाव जीत करके बीडीसी के पद पर निर्वाचित हुए तो आपका क्या सपना है, क्या कोशिश करेंगे आप यहाँ? हम जनता के अरमान के पूरा करेंगे और अपना कोशिश, जितना फंड है फंड के अनुसार अपना सहयोग देंगे और जनता के साथ जुड़े रहेंगे जी। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं? क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, कोशिश जारी है, लगातार जारी है, सब दोस्तों लोग के साथ है और सब लोगों के समर्थन मिल रहा है, यानी पूरा जनता का समर्थन समर्थन है। चलिए सर, आपका स्वागत है, आप भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। धन्यवाद। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे कहना कि इनको सभी जनता अपने इच्छा से इनको मंच पर लाई है। हाँ। और इनमें एक जज्बा है कुछ करने का। हाँ। और ये जीतेंगे तो एक विश्वसनीय आदमी है, किसी तरह के इनके बीच ऐसा नहीं होगा कि जीतने के बाद सीट को बहुत लोग हैं जो बीडीसी बनने के बाद प्रमुख बनाने में बेच देते हैं, इस वजह से क्षेत्र में विकास का काम नहीं होता है। हम लोगों की कोशिश है कि ये जीतेंगे तो ऐसा काम कुछ नहीं होगा, विकास का काम होगा। धरातल पर जितनी इनकी योजनाएं आएगी उस पंचायत में उससे काम किया जाएगा और लोगों का हर दम ख्याल रखा जाएगा, किसी तरह की कोई परेशानी होगी उसके लिए हम लोग आधी रात को भी तैयार रहेंगे, एकदम तत्पर रहेंगे जनता की सेवा के लिए। अच्छा, यहाँ कौन कौन सा गांव है इस क्षेत्र में जरा बताइए? इसमें टोला है, जैसे ब्रह्म बाबा टोला बोलता है। हाँ। उधर पूरम में। हाँ। इधर भगत जी लोगों का है कोयरी टोला बोलता है वो है। हाँ। उधर चकिया टोला बोलता है वो है। हाँ। इधर नंदू राय का टोला है, उधर भूमिहार लोग हैं मौजे बोलता है वो टोला है, बगही टोला है, उसके बाद इधर ब्राह्मण लोग हैं वो टोला है, यही सब जी यही सब मिल करके एक क्षेत्र बनाए हुए है। जो जिस मोहल्ला में हम लोग जाते हैं वहाँ की जनता हम लोगों का बहुत स्वागत करती है और एक जज्बा के साथ, एक उत्साह के साथ हम लोगों को इज्जत देती है और वोट देने के लिए सब लोग समर्थन कर रहे हैं। इनका चुनाव निशान क्या है? इनका चुनाव निशान चारपाई छाप है, जैसे देहात में खटिया बोलते हैं वही इनका चुनाव निशान है, और बैलेट पेपर पर क्रमांक संख्या 2 पर अंकित है। चलिए, ये समर्थन जो आपको मिल रहा है तैयब अंसारी जी, कैसा लग रहा है? जी बहुत खुशी है, सब जनता के मदद है, भरोसा है इसके लिए के सब लोगों साथ में है और सबके साथ रहेंगे। चलिए, आपका जो चुनाव निशान है आप भी अपना चुनाव निशान जनता को बताइए। जी मेरा चुनाव निशान है चरपाई छाप, कितना और क्रमांक संख्या 2 पर है जी। तो मुखिया सरपंच का चुनाव भी आप लड़ सकते थे, लेकिन बीडीसी का पद पसंद क्यों आया? पसंद आया कि आराम आराम से आगे जाएंगे, एकदम से ऊपर जाना उचित नहीं था, आगे अगर जनता देखी सही से सब लोग साथ दिया तो आगे भी बढ़ेंगे, बढ़ रहे हैं, सबके साथ है। पहला कदम आपने बढ़ाया है। जी पहला कदम बढ़ाया, आशीर्वाद मिला तो और बेहतर और आगे करेंगे, अच्छा करेंगे, सब लोग का सहयोग है, आप जनता के सहयोग के लेके आगे बढ़े। चलिए, एक सीधा सवाल आपसे, रोजगार गारंटी योजना की क्या स्थिति है, यहाँ रोजगार वगैरह मिल रहा है,
आप क्या कोशिश करेंगे? अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दिया, मगर आगे आने वाले दिन में अगर मिलता है, अगर हम आ रहे हैं, आ तो रहे हैं, मगर आने के बाद अपना जो भी सहयोग रहेगा करेंगे। अरमान है जनता के आगे बढ़ाए, जनता का सेवा करने का इरादा है जी।